अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। फिलहाल मैं हूँ आज फैमिली उत्सव एग्जीबिशन में, यानी कि फैमिली के साथ यहाँ पर कुछ उत्सव चल रहा है एक एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन में क्या क्या है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सेवन वंडर्स यहाँ पर है। सेवन वंडर्स यानी कि दुनिया के सात अजूबे। सबसे पहला अजूबा तो एक है ताजमहल, और भी ढेर सारी कई चीज़ें हैं। सबसे पहले नाम जब अजूबों का आता है तो पहले ताजमहल ही आता है। तो कई सारे फैमिलीज यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर इस फैमिली उत्सव में इंजॉयमेंट के लिए और सेवन वंडर्स को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं अंदर जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखाऊँगा कि अंदर कौन से वंडर्स हैं और क्या क्या यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं, झूले हैं, भर ढेर सारी चीज़ें से। लेट्स हैव अ सी। ये है दुनिया का सातवें अजूबों में से, ये भी एक अजूबा है जीजस क्राइस्ट का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल एक ऐसा इन्वायरमेंट लग रहा है जैसे कि हम वहाँ पर आ चुके हैं और उस स्टैचू को देख रहे हैं करीब से और फोटो ले रहे हैं। देखिए आप फैमिलीज यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि फैमिलीज किस तरह से फैमिली मेरे पास यहाँ पर मौजूद है जो इस सेवन वंडर को देख कर यहाँ पर फोटो ले रहे थे। सर कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? हाँ सर जी, बढ़िया सर जी। जैसे कि हम लोग जो है ना, जैसे सेवन वंडर्स जो है ना ऑलरेडी किताब में पढ़े थे जी, मगर हम लोग जो है ना जैसे कि हर जगह जा नहीं पाते जी। जैसे गुलबर्गा सिटी में जो आया है हमारे लिए खुशी की बात है जी। और ये त्यौहार का मौसम है, सभी फैमिली वाले यहाँ पर आते हैं। सो साथ ही साथ में जो है ना, जैसा फैमिली के साथ में जो आते हैं बच्चों के साथ में, जैसे बच्चे जो है ना उन्होंने ऑलरेडी बुक में तो पढ़े रहते हैं, जैसे वो माहौल यहाँ पर देखेंगे तो और खुशी महसूस करेंगे। मतलब हम वहाँ तक जब तक पहुँचेंगे मतलब थोड़ा लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। गुलबर्गा में खरीद से देख ले रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ये बहुत खुशी हो गया है। और क्या कहना चाहेंगे गुलबर्गा वालों को आप? हाँ जी, ये शुभ मौसम फेस्टिवल मौके पर सभी जो है ना गुलबर्गा वासियों को मेरे तरफ से दशहरा का और जो है ना त्यौहार का जो है ना शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए काफी अच्छी बात इन्होंने कही है। तो सात अजूबा तक पहुँचने तक बहुत लेट होता है, तो उन्हीं अजूबों को करीब से देखने के लिए गुलबर्गा में हमारे कर्नाटक सिटी में। सो लेट्स जर्नी बिगेन इन उत्सव, गुलबर्गा फैमिली उत्सव में। देखिए आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं तो वहाँ तक कभी गया नहीं हूँ। ये एफिल टावर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर रियल में अगर ये होता तो कितना अच्छा होता। तो आप इसके नीचे देख सकते हैं जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा हम आगे वॉक करते हुए जाएंगे और वहां तक देखते हैं। मैं हूं पेरिस के उस टावर के पास, गुलबर्गा में पेरिस को हमने मंगा लिए हैं। तो एक काफ़ी हैंडसम, क्या नाम आपका? मोहम्मद अदनान शरीफ। अदनान शरीफ साहब, आप काफ़ी शरीफ लग रहे हैं। शरीफ साहब कौन कौन आए हैं यहाँ पर, क्या क्या देखने के लिए आए हैं आप लोग? हम यहाँ सब कुछ देखने के लिए आए हैं। दुनिया के सात अजूबे हैं। कौन से अजूबे हैं, नाम बोल सकते हैं आप सबका? नाम पेरिस, पेरिस टावर और इजिप्ट, इजिप्ट अच्छा। ताजमहल हाँ। और वो क्या है? वो क्या है? क्या है? अच्छा वो बोलो, जीजस क्राइस्ट, जीजस क्राइस्ट का पुतला बोल के बोलो। वो पैलेस। और एक बार बोलो सर। जीजस क्राइस्ट का? हाँ। तो आप देखे, देखकर आपने फोटोज वगैरह लिए? फोटोज सब ले लिए। अच्छा, आपके जो दोस्त हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे तुम? वो अभी आए, सबके साथ आए और ये सब कुछ देखिए और ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ टिकट 40 रुपए है। अच्छा, टिकट 40 रुपए है। ये बात मुझे यहाँ पर समझ में आई है कि सेवन वंडर्स को देखने के लिए काफी सारे पैसे खर्चा करने पड़ते थे, मगर गुलबर्गा में आपको सिर्फ खर्चा करने पड़ेंगे 10, 20, 30, 40 रुपए, जो कि नए नोट हैं, पुराने वाले भी आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी सेवन वंडर्स में कुछ आता है। अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये जो वंडर है काफ़ी मशहूर और मारूफ है। किसी की मोहब्बत का अगर अंदाज़ा लगाना है, मोहब्बत की गहराई को अगर समझना है, मोहब्बत को अगर करीब से देखना है तो ताजमहल को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में और पहले के ज़माने में मोहब्बत में काफ़ी डिफरेंस होता था। तो पहले के लोग मोहब्बत कुछ इस तरह से करते थे, यानी कि जब शाहजहाँ की जब बात छिड़ती थी, मुमताज़ की जब बात आती थी, तो उन्होंने उनकी याद में बेहतरीन सा मकबरा बना दिया है ताजमहल। मुमताज़, आई थिंक ताजमहल तो सबको मालूम है, हर कोई ताजमहल को काफ़ी करीब से जानता है, मगर ताजमहल की याद, जिसकी याद में इसको बनाया गया है,
इसके बनाने के पीछे बिहाइंड द रीजन क्या था? हम लोग कहीं कहीं मजाक में बोल रहे हैं, मजाक में सारी चीजें बोलते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, मगर ताजमहल की जो खूबी है अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसकी स्टोरी को अगर आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि मुमताज की मोहब्बत में शाहजहां ने इतना बड़ा सा अंपायर खड़ा कर दिया ताजमहल। तो आप देख सकते हैं फिलहाल ताजमहल तो वैसे आगरा में है, फिलहाल गुलबर्गा में कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ताजमहल है। 40 रुपीज़ की टिकट है, 7 वंडर्स यहाँ पर हैं, आप लोग आकर अपनी फैमिली के साथ इन्जॉयमेंट कर सकते हैं और फोटोज़ लेकर वही आप वही खूबी ला सकते हैं कि जस्ट लाइक आप फीलिंग ले सकते हैं कि हम लोग वाकई में ताजमहल के सामने खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी सारे बचपन की चीज़ें हैं हम भूल गए थे, तो जितने भी यहाँ पर हमारे गुलबर्गा वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप अपने खाली वक्त में इस 7 वंडर्स को देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे फैमिलीज़ इन्जॉयमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वंडरफुल सी फैमिली 7 वंडर्स देखने के लिए आई थी, तो एक काफ़ी हैंडसम सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम बेटा आपका? मरियम फातिमा। मरियम, मरियम आप यहाँ पर कितने वंडर्स देख रहे हैं, कौन से वंडर्स हैं आप बताएंगी मुझे? यहाँ पर द लेबोरेटरी है, ताजमहल है, आईफिल टावर है, पिरामिड्स है। और ताजमहल के बारे में कुछ मालूम है आपको? ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां। क्यों? उनकी वाइफ की मेमोरी के लिए, मुमताज महल। मुमताज के लिए। हाँ। और क्या जानती हो ताजमहल के बारे में आप? वो आगरा में बिल्ड हुआ है। आगरा में बिल्ड है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? सैयद अकबर हुसैनी। कौन सी क्लास में है? 4th। और देखिए काफ़ी अच्छी खुशी की बात है, आजकल के बच्चों को ये सारी चीज़ें मालूम है। तो फोटो ली आप ताजमहल के पास? हाँ ली है। अच्छा, ये जो वीडियो आपकी जो सहेलियाँ देखेंगी उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कि वो लोग भी मेरे जैसा पढ़े, आपके जैसा पढ़े। हाँ। और जिस तरह से आप आ जाए हैं उसी तरह से आकर देखें। हाँ, फैमिली के साथ। हाँ। तो फिलहाल यहाँ के 7 वंडर्स के मैनेजर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, राजेंद्र साहब मेरे साथ मौजूद हैं एंड मनोज जी मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्ते सर। तो सर मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पर आपने 7 वंडर्स काफ़ी एक रियलिस्टिक चीज़ आपने गुलबर्गा के लिए लाई है, तो बिहाइंड द सीन क्या था, रीज़न क्या था ये लाने का? हाँ जी, आप हर जगह जाके देश देश घूम के पूरा देख नहीं सकते। एक ही जगह ला के सब लोग को ये दिखाना, बच्चों को अब 7 अजूबे, दुनिया के 7 अजूबे मालूम पड़ना है, हर एक आदमी देखना चाहिए। इसके वजह से ये 7 वंडर इधर ला के सेटअप किए हुए हैं। ये पूरा बॉम्बे के आर्टिस्ट, वहाँ के कारीगर, कम से कम एक 50 लोग और 40 लाख के खर्चे में पूरा सेटअप किया हुआ है। सिर्फ एक ही मकसद है, गुलबर्गा का आदमी को ये देख के पसंद आ के उनका खुशी से वो बाहर निकले। ओके, कौन से वंडर्स हैं? जैसे कि 7 वंडर्स तो यहाँ पर हैं, आप एक इंडिविजुअली सबका एक नाम लेके बताते जाएंगे आप? हाँ जी, जैसे इसका आईफिल टावर, जीसस, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कोलोशियम, पिज़्ज़ा टावर, ताजमहल, ताजमहल से भी है 7 वंडर्स। तो ये देखिए 7 वंडर्स काफ़ी अच्छी बात की राजन साहब ने, और क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि 40 लाख का खर्चा आपने बताया, मतलब किन चीज़ों से ये मतलब बिल्ट हुआ है? जैसे कि गुलबर्गा में थोड़े दिनों से बारिश चल रहा है, कुछ बारिश से इफेक्ट वगैरह नहीं होता इसको? हाँ, कुछ भी नहीं है, बेस्ट ऑफ पेरिस यूज़ किया है और इसमें पूरा आयन यूज़ किया है, आयन फ्लेक्स, और आर्टिस्ट जो पेंट किए हैं वो आके इसका वाटर प्रूफ पेंट में यूज़ किया हुआ है। ये कितने दिनों तक यहाँ पर अभी रहेगा ये उत्सव? हाँ जी, हम लोग तो 45 डेज का कैलकुलेट किया हुआ है। अगर गुलबर्गा का आदमी और चाहे कि और खुशी से और 10 दिन बढ़ाना हो तो भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो देखिए 7 वंडर्स आपके लिए वेट कर रहे हैं आपके मैसिव रिस्पांस के लिए। तो सर चलते चलते मुझे ये बताइए आप, आपके जो इस उत्सव 7 वंडर्स को जो देखने के जो चार्जेस हैं, क्या क्या चार्जेस आप लोगों ने रखे हैं? हाँ जी, इसमें सिर्फ 40 रुपीज़ चार्ज किया है, एंट्री चार्ज 40 रुपीज़ है इसके लिए जी। और अम्यूजमेंट्स, फूड, इसका सभी अलग अलग सा होता है। ओके, यानी कि हर कोई इस चीज़ को एफर्ट कर सकता है। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? सो मिस्टर मंजू, अरे ये नेट तेरा गुलबर्ग का जनरी के न्यू सर। नमस्ते, ना बेंगलूरी फैमिली उत्सव अंत नमु संस्थे बंदी ना गुलबर्ग जनता तोर्सो अंत ना गुलबर्ग जन वर्गे हमने नोड़क अंत ना गुलबर्गदी ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಕಹನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಾಲೋಂ ಕೋ? ಹಾಂ ಜಿ, ಸಭಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಲೋಗ್ ಯೇ ಪೂರಾ ದೇಖ್ನೇ ಕಾ ಬಾದ್ ಬಾಹರ್ ಜಾಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಬಾಹರ್ ನಹೀ ಜಾ ಸಕೆ ದುನಿಯಾ ಛೋಡ್ ಕೆ ಇಧರ್ ಹೀ ದೇಖ್ ಕೆ ಐಸಾ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ವೋ ಫೀಲ್ ಮೇ ಆನಾ ಜಿ, ವೈಸಾ ಆಕೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಭೀ ಬನಾಯೆ, ಬಹುತ್ ಮೆಹನತ್ ಸೇ ಬನಾಯೆ. ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಸಭಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಕೆ ये पूरा सेटअप को देख के खुशी से जाना है। वी आर ऑल आर वेलकम, प्लीज़
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೇಖೆ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಚಾ ಮೆಸೇಜ್ ಉನ್ನೆ ದಿಯಾ ಹೈ. ಜೊತೆ ಉನ್ನೆ ಕಹಾ ಮೇರೆ ಪಿಛಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮೇ ಉನ್ನೆ ಕಹಾ ಹೈ ಕಿ 40 ಲಾಖ ತಕರೀಬನ್ 40 ಲಾಖ ಕಾ ಖರ್ಚಾ ಆಯಾ ಹೈ ಬನಾನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ. ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಚೆ ಸೇ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮುಜೆ ಲಗ್ತಾ ಜಬ್ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕೋ ಯೇ ಲೋಗ್ ಬನಾ ರಹೇ ಥೇ ತೋ ಉಸ್ಮೇ ಕಾಫಿ ಸಾರಾ ಇನ್ಕೋ ಖರ್ಚಾ ಹುವಾ ಹೈ. ತೋ ಜಿತನೆ ಭೀ ಹಮಾರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಾಲೆ ಹೈ, ಹಮ್ ಉನ್ಸೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ, ಆಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಇಸ್ 7 ವಂಡರ್ಸ್ ಕೋ ದೇಖನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಕರ್ ನಾ ಭೂಲೇ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಏ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉತ್ಸವ್ ಆರ್ 40 ಡೇಸ್ ಕೆ ಲೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಔರ್ ಹೇ. ಅಗರ್ ಆಪ್ ಮೆಸೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೇ ದೇತೆ ಹೈ ತೋ ದೇಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತೋ ಚಲತೆ ಚಲತೆ ಮೇ ಏಕ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಆಜೂ ಬಾಜೂ ಜೋ ಭೀ ಹೈ ಇಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೋ ದೇಖನೆ ವಾಲೆ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಲೇಕರ್ ಆ ರಹೇ ಹೈ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟಿ ವಿ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ. ಸಂಡೇ ಕೆ ದಿನ 4 ದಿನ ಬಾಕಿ ಹೈ ಅಭಿ. ತೋ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಹೈ, ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸಂಡೇ ಕೆ ದಿನ ಶಾಮ್ ಮೇ 4 ಬಜೆ ಸೆ ಲೇಕರ್ 7 ಬಜೆ ತಕ್ ಏಕ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಖಿಲಾಯಾ ಜಾಯೇಗಾ. ಗೌರ್ ಸೆ ಸುನಿಯೆ, ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಖಿಲಾಯಾ ಜಾಯೇಗಾ ಜಿಸ್ಮೇ 7 ವಂಡರ್ಸ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಮೈ ಸವಾಲ್ ಪೂಛೂಂಗಾ. ಮೇರೆ ಸವಾಲ್ ಕಾ ಜೋ ಭೀ ಸಹಿ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ ಯಾ ದಿಯೆ ಉನ್ಕೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉತ್ಸವ್ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಬೆಹತರೀನ್ ಸೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ರಹೇಂಗೆ. ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕುಚ್ ಏಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೂಪನ್ ಮಿಲ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ಜೋ ಆಪ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಅಪ್ನೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಬಾಜೂ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮೇ ಝೂಲೆ ವಗೈರಾ ಸಾರಿ ಚೀಜೆ ವಹಾಂ ಪರ್ ಹೈ. ತೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೂಪನ್ ಆಪ್ಕೋ ಮಿಲ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೈ. ಸಂಡೇ ಭೂಲಿಯೇಗಾ ಮತ್, 4 ಬಜೆ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಶಾಮ್ ಕೆ 7 ಬಜೆ ತಕ್ ಯೇ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಹಮ್ ಖಿಲಾನೆ ವಾಲೇ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ 7 ವಂಡರ್ಸ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಸವಾಲ್ ಪೂಛೂಂಗಾ. ಜೋ ಭೀ ಸಹಿ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ ಯಾ ದಿಯೆ ಉನ್ಕೋ ಯೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಮಿಲೇಗಾ. ಸೊ ಆಪ್ ಸಂಡೇ ಆನಾ ಮತ್ ಭೂಲಿ. ಔರ್ ಅಭಿ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಥೋಡೆ ದಿನ ಬಾಕಿ ಹೈ, ಜಬ್ ತಕ್ ಜಿತನಾ ಹೈ ಉತನಾ ಪಡೆ ಲೀಜಿಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.